दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मेरा फर्स्ट ब्लॉग मंदिर से चालू हो रहा है और मंदिर पे इस मंदिर का जग नहीं हुआ है। हम लोग सारे बच्चे मिलकर इस मंदिर का जग कराना है। कल इसका ध्वजारोपण है, पूजा है, जो कि जग होने से एक महीना पहले होता है। वही कल पूजा हम लोग कराएंगे। पूरे गांव में आज घूमकर बोल दिए हैं और कल पूजा है, 7 बजे से चालू है, तो कल से हम लोग इसी का तैयारी आज कर रहे हैं। ऊपर जो बाजा है, चोंगा, उसी का वो थोड़ा सा खराब हुआ था, उसी को हम बनाने के लिए ऊपर चढ़ा जा रहा है। और कल पूजा है, पंडित जी बोले थे कि थोड़ा सा माइक वाइक का व्यवस्था करिएगा, तो वही माइक सबसे जो ऊपर चढ़ रहे हैं जीतन जी, वो हम सबका मेट है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऊपर माइक वो लोग खोल रहे हैं, फिर भी हम आपको ऊपर जाके थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करेंगे कि माइक हम लोग कहाँ लगाए थे। इस सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, गरिया बोलो के नहीं मुड़ी ना सारा सीढ़ी के लड़े लड़े चढ़े में हमारा दिक्कत पाई खे भाई, हमारा उतरे में डर लगे ला हो तो फाइनली बहुत ही मेहनत से हम चढ़ गए हैं और यहाँ पे चोंगा खुला गया है, यहीं पे लगा हुआ था। हालांकि हम लोग का टारगेट है कि ऊपर लगाएं मंदिर के, और आप लोग को मंदिर के ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा है। देखिए ये मंदिर का पूरब साइड का व्यू है, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से हम लोग का गांव चालू होता है क्योंकि मंदिर लास्ट में। इधर भी थोड़ा सा गांव घर है और इधर ऊपर से देखिए सीढ़ी लाया जा रहा है क्योंकि इस पे हम लोग चढ़ने का थोड़ा सा कोशिश रहेगा, ऊपर से सीढ़ी। देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी जोड़ने का हम लोग कार्य कर रहे हैं क्योंकि इस पे चढ़ना है ऊपर चोंगा लगाने के लिए। हम लोग ऊपर चोंगा लगा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दूर से दूर आवाज़ जा सके, से दूर आवाज़ जाए और यहाँ मंदिर पर लोग आए जग देखने। और जीतन जी का यह दिमाग था कि हम लोग दो सीढ़ी को जोड़कर इस पे चढ़ सकते हैं। जीतन जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं, हाँ, कि कुछ फालतू मत बोलिएगा। दोनों सीढ़ी जोड़ा जाएगा तो ऊपर तक आदमी पहुंच जाएगा। हाँ, इसका फायदा क्या है? फायदा यही है, हाँ, ये वो जो सीढ़ी है छोटा है, हाँ, ऊपर चोंगा बना जाएगा तो आवाज दूर तक जाएगा, हाँ, ताकि लोग दूर दूर से आ सके, सुबह का भजन सुन सके। नाइस, देखिए माइक टेस्टिंग, चोंगा का टेस्टिंग हो रहा है। देखिए देखिए टेस्टिंग हो गया ये चोंगा का, ये चोंगा ठीक है। अगले चोंगा का टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। देखिए बाज रहा है, नीचे से लाइन दिया जा रहा है इसमें। पवन बजाओ नीचे से, ये चोंगा लगता है थोड़ा सा खराब है, नीचे से लाइन पवन दे रहा है, बज नहीं रहा है, यानी कि ये खराब है, तो इसको हम लोग बनवा कर लाने का कोशिश करेंगे जाके हथुआ से। तार इधर उधर कर रहे हैं ताकि बज जाए। देखिए बज रहा है कि नहीं, तार जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, जो कि सुमित जी जोड़ रहे हैं तार को। अब बोल तो, अब बोलो ना से, बजा रे। ये नीटवा में धीरे धीरे आवाज आवत है, बोलबे तो नहीं, ए खाली बोल ना। नीचे से बोला जा रहा है, मंदिर के नीचे से, इसका जो भी सिस्टम है मंदिर के नीचे है और ऊपर से यूनिट चर्चरिया था, इसमें कुछ दिक्कत है या तो यूनिटी में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि और क्या दिक्कत होगा। देखिए सीढ़ी हम लोग खोल दिए हैं क्योंकि हम लोग का एगो चोंगा खराब है, तो इसको बनवा कर लाएंगे। और सीढ़ी खोलने का कारण था क्योंकि हम लोग बांध के नीचे यहाँ से उतर नहीं सकते हैं और सीढ़ी यही था, तो इसी को फिर नीचे जाएंगे और वो चोंगा जो बनवा के आएगा, जब बना कर हम लोग लाएंगे, उसके बाद से फिर से बांधेंगे और बांध के इस पे बांधेंगे। और आगे का जो भी प्रोसेस होगा हम आप लोग को ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। देखिए हम लोग इतना ही करें, तब तक इतना लोग आ चुके हैं मंदिर पे और जग का
आज से एक डेढ़ महीना तक जो भी होगा हम आप लोगों को दिखाएंगे और अपना भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दोस्त हम लोग जा रहे हैं घर, अब घर से जाएंगे मार्केट, मार्केट में अपना चोंगा बनवाएंगे और कल के पूजा का जो भी सामान होगा वो लाएंगे और थोड़ा सा मंदिर भी सफाई होगा और कल पूजा होगा। कल पूजा पूरे धूमधाम से होगा, एकदम बवाल मचेगा। सब लोग घर जा रहे हैं, घर से थोड़ा मार्केट जाते हैं। चलिए आगे भी सब देखिए, यहाँ पे आर्ग्यू हो रहा है कि कल मंदिर पे जाना है और नहा के जाना है, सब लोग के बीच में यही बात हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग प्लान करने आए हैं कि प्रसादी में क्या बनाएं, सब लोग प्लान करके अब तब जाएंगे मार्केट। और देखिए दोस्तों, ये हम लोग का मीटिंग रूम है, यहीं पे जो भी कार्य मीटिंग होगा इसी में हम लोग करेंगे, असली वाला काम यही होगा और सब यहीं पे लिखा जाएगा जो भी प्रसादी लगेगा। जीतन जी मेन मालिक यहाँ पे बैठ गए हैं, बोलिए क्या कहना चाहेंगे प्रसादी के बारे में, क्या बन रहा है जी? प्रसादी बनेगा, गाजर रहेगा, हलवा रहेगा, पूरी रहेगा। अच्छा, जो होता है वो रहेगा और सब फल रहेगा, जो जो फल है, केरा, लड्डू रहेगा। नाइस। फाइनली दोस्तों हम लोग का चोंगा बन के आ गया है और चोंगा यहाँ पे सेट हो रहा है और चोंगा दोनों चोंगा बन गया है और यहाँ पे सीढ़ी भी जोड़ के गुमज पे चोंगा। देखिए दोस्तों कितना रिक्स लेके जीतन जी ऊपर चढ़ गए हैं, हम लोग का मेठ मालिक वहाँ पे चढ़ कर चोंगा बांधने का प्रयास कर रहे हैं और नीचे से डरपोक लोग देख रहे हैं क्योंकि इनको और इन लोग के पास उतना क्रेजा नहीं है कि मंदिर पर चढ़ पाए, यहाँ से नहीं चढ़ा जा रहा है तो वहाँ पे क्या चढ़ेंगे। और नीचे से बिना काम के बेतुकी बात कर रहे हैं और आप लोग सुन सकते हैं आगे। फाइनली जीतन जी उतर रहे हैं, क्यों एक ही चोंगा उस पे बना पाया क्योंकि एक चोंगा उसी पे बांधने के दौरान टूट गया, ये देख सकते हैं आप लोग, चोंगा खराब हो गया, टूट गया, उसको बनवा के फिर से लाना पड़ेगा, एक ही चोंगा वहाँ पे बना पाया है। फाइनली दोस्त हम लोग को जाना नहीं पड़ा और हमारे मालिक जी जीतन जी यहीं पे इसको बना दिया, ट्यूब बांध के और टेप लगा के और बहुत सारे जुगाड़ लगा के हम लोग इस चोंगा को बना दिए हैं और फिर से चढ़ाई चालू और वहाँ पे बांध ही के रहेंगे, नहीं तो हम लोग को जाना पड़ता मार्केट और मार्केट से बनवा के लाना पड़ता। लेकिन हम लोग जुगाड़ लगा के बना दिए हैं और फिर से ऊपर जा रहे हैं जीतन जी और इसे जो वहीं पे बांध दिया जाएगा। मैं फाइनली हम लोग का एकदम सेटअप हो गया है चोंगा, आप लोग को हम दिखा रहे हैं, रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 ही चोंगा है हम लोग के पास और 2 चोंगा हम लोग जग के लिए खरीदेंगे मार्केट से और अभी थोड़ा देर में इसका आवाज हम आप लोग को सुनाते हैं। ओ पान जी थोड़ा बजाइए तो। देख सकते हैं गांव का माहौल कितना अच्छा आज लग रहा है, सारे गांव का मंदिर के सहित बहुत ही मजा आ रहा है आज और गांव में रहने का यही तो मजा है। देखिए यहाँ पे टिंकू मेरा छोटा सा भाई, मेरा छोटा सा जो भी है और यहाँ पे मंदिर की सफाई कर रहा है। चलिए दोस्तों अब सफाई चालू हो गया है और शाम भी हो गया है, इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड भी करेंगे और कल का पूजा दिखाएंगे आप सबको और ब्लॉग को एंड। देखिए सब लोग, थोड़ा देर पहले गाना बज रहा था और हम लोग झूम भी रहे थे, गाना इसमें नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, आप लोग जान ये सब बात जानते ही हैं। बोलो फिर से आज आवाज फिर से स्टार्ट। तो गाइस कल का पूजा देखने के लिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, आप सब देखिएगा कल के अगले ब्लॉग में पूजा आपको दिखाएंगे हम शुरू से अंत तक। और हम लोग का ब्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहेंगे, खेद है। जो भी है और सफाई भी हो गया है और सफाई के साथ हम लोग ब्लॉग का भी एंड करेंगे और कल सुबह 7 बजे तक यह ब्लॉग आप सबको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप जय श्री राम के साथ ये ब्लॉग को एंड करेंगे।